खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली के राजपुर गांव से है, जहां पीड़ित ऋषिपाल सिंह ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनकी नाबालिग बेटी को कोई बहला फुसला कर ले गया, जिसमें पुलिस ने नाबालिग की गुमशुदगी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जसपुर से डॉक्टर गुलाब सिंह राणा के साथ प्रदीप शर्मा। ऋषिपाल द्वारा 1 तारीख को हमारे थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था कि उनकी नाबालिग पुत्री जो है वो चली गई, जिस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया, उसी कार्रवाई की गई, जाँच की गई, तो पता चला वो लड़की मुरादाबाद के रहने वाले लड़के के साथ कहीं चली गई। उसके बाद उसे कल दिनांक 2 तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया रामनगर से। लाने के बाद पूछताछ के बाद लड़के के खिलाफ पहुंचा के तहत कार्रवाई की जा रही है, उसे जेल भेजा जा रहा है। तो पहले भी लगातार स्कूलों में जाकर इसके संबंध में जागरूक किया जा रहा है, माता पिता को, टीचर्स को, बच्चों को बताया जा रहा है। इसके बाद भी ये घटनाएं सामने आ रही है, कहीं ना कहीं किसी न किसी गलती इसमें हम मान सकते हैं। अब समाज है, समाज को कैसे सुधारेंगे, हमें भी इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि जाएं अपने बच्चों से एक बार बात करें, उनसे काउंसलिंग करें, बच्चे किस दिशा में चल रहे हैं, स्कूल में कोचिंग में जाकर उनके टीचर्स से बात करें, तभी ये संभव हो पाएगा। भाई सभी को पता ही है कि पुलिस कहाँ कहाँ करेगी, पुलिस अपना काम करती है, उसके बाद कर ही रही है।